वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हुई एक और धमाकेदार और एक्सक्लूसिव खबर के साथ एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आज की खास खबर में हम आपको बताने वाले हैं रुबीना दिलायक के बारे में। रुबीना दिलायक बिग बॉस सीजन 14 के घर में काफी अच्छा खेल दिखा रही है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस सफर में रुबीना दिलायक के कई सारे दुश्मन भी बन बैठे। चाहे रुबीना दिलायक कोई भी टास्क में अच्छा करने की कोशिश करें या फिर ना करें, लेकिन बाकी के सदस्यों का एक काम तो जरूर होता है, रुबीना दिलायक को टारगेट करना, रुबीना दिलायक को नीचा दिखाना और साथ ही साथ रुबीना दिलायक के कॉन्फिडेंस लेवल को डिमोटिवेट करना। और साथ ही साथ आज वही सदस्य जो हैं बिग बॉस सीजन 14 के घर से बाहर निकल कर या फिर घर में रह कर वही लोग जो हैं रुबीना दिलायक की तारीफ कर रहे हैं, तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ रुबीना दिलायक की ये सबसे बड़ी जीत है। रुबीना दिलायक के दुश्मनों ने मानी हार और रुबीना को बताया विनर। रुबीना के दुश्मन कौन कौन है वो, आइए हम आपको बताते हैं आज के स्पेशल रिपोर्ट में यही बात। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि क्या है ये एक्सक्लूसिव न्यूज़। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि एजाज खान और रुबीना दिलायक के बीच में नहीं बनती थी। एजाज खान जो हैं रुबीना दिलायक को टारगेट करते थे, ये भी आपने देखा। लेकिन आज वही एजाज खान जो हैं रुबीना दिलायक की तारीफ नहीं करते, थकते रहते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और साथ ही साथ तारीफ करने के साथ साथ उन्हें भाभी भी मान रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है एजाज खान की। और साथ ही साथ दूसरे नंबर की हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आती हैं पवित्र पुनिया और रुबीना दिलायक के बीच में कितनी बड़ी लड़ाई हुई, जहां पर पवित्र पुनिया ने रुबीना दिलायक को गाली भी दिया। आज पवित्र पुनिया बिग बॉस सीजन 14 के घर को छोड़कर बाहर आ चुकी हैं और साथ ही साथ उनके तारीफ में ट्वीट किए जा रही हैं। इससे आप सभी दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि रुबीना दिलायक की कितनी बड़ी जीत हुई है और उनकी जीतने के लिए वो दुआएं भी मांग रही हैं पवित्र पुनिया और साथ ही साथ कह रही हैं कि एजाज और रुबीना दोनों में से कोई एक विनर बने। और साथ ही साथ तीसरे नंबर पर आते हैं निशांत सिंह मलखानी भी जब आउट हो रहे थे, आउट होने से पहले निशांत सिंह मलखानी और रुबीना के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, लेकिन आउट होने के बाद निशांत सिंह मलखानी ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था और साथ ही साथ ये कहा था कि अगर बिग बॉस सीजन 14 के घर में कोई विनर बने तो वो सिर्फ और सिर्फ रुबीना दिलायक बने। वेल दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज हमें अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताएं।